हमने हमारी पिछली क्लास में क्या था, क्या क्या था, लेसन की रीडिंग की थी, क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्ट्स किए थे, सेंस ऑफ स्मेल, स्लीपिंग हैबिट्स, यूजफुल एनिमल्स एंड पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स। आज हम क्या रीडिंग करेंगे, किसकी? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ में देखो, वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर वेरियस थिंग्स लाइक फर, स्किन, बोन्स, हॉर्न्स, टिथ एंड अदर बॉडी पार्ट्स। ये क्या कह रहा है, जो जंगली जानवर होते हैं वो क्या है, बहुत सारी चीजों के कारण शिकार किया जाता है उनका। किन किन के कारण? फर, स्किन, उनकी हड्डियां, त्वचा, सींग, दांत या उनके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए। दे आर सोल्ड एट हाई प्राइजेस, क्योंकि ये क्या है, वो तो हाई प्राइस, हाई रेट में बेच दिए जाते हैं। सच इलीगल हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड पोचिंग। क्या कह रखा है, किसको पोचिंग कहा जाता है? इस अवैध शिकार के कारण, अवैध शिकार से क्या है, जानवरों को मारना और उनके बॉडी पार्ट्स को बेचना, इसी को ही पोचिंग कहा जाता है। एंड द पीपल हु किल द एनिमल्स आर कॉल्ड पोचर्स, और जो एनिमल्स को मारते हैं वो लोग, उनको, उन लोगों को क्या कहेंगे, पोचर्स। दिस माइंडलेस किलिंग ऑफ एनिमल्स हैज पुट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एनिमल्स स्पाइसेस इन डेंजर। ये क्या कह रहा है, ये जो ना समझ लोग होते हैं, जो क्या है, इन इनका जानवरों का शिकार करते हैं, इनसे क्या है, हमें बचाना चाहिए, हमारे एनिमल्स के लिए खतरा है। सच एनिमल्स आर सेड टू बी इंडेंजर्ड एनिमल्स। क्यों है इनसे खतरा? क्योंकि जो एनिमल्स मारते जा रहे हैं, ये क्या है, ये एनिमल्स लुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। क्या बताया, जो जानवर किस ना समझ हत्या ने क्या है, कुछ प्राणियों के अस्तित्व को ही खत्म, खतरे में डाल दिया है, क्योंकि वो उनको क्या है, मार रहे हैं। ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है, इंडेंजर्ड एनिमल्स, लुप्त प्राय जानवर। इफ दे आर बीइंग किल्ड एट द सेम रेट द डे इज नॉट फर, व्हेन दे विल डिसअपियर फ्रॉम अर्थ एंड वुड बी एक्सटिंक्ट। यदि वे उसी दर पर मारे जा रहे हैं जानवर, तो क्या है, वो दिन दूर नहीं जब धरती पर ये जानवर खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो क्या बताया इसमें, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर वेरियस थिंग, जो ये जंगली जानवर है, ये बहुत सारी चीजों से क्या है, इसके कारण मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी क्या क्या, स्किन, बोन्स, हॉर्न्स, टीथ और अदर बॉडी पार्ट्स क्या है, हाई प्राइजेस में बेचे जा रहे हैं। इस अवैध शिकार के कारण क्या है, जो ये अवैध शिकार करता है उनको क्या कहते हैं, उसी कोई, और ये बॉडी पार्ट्स को बेचते हैं, उन्हें कोई क्या कहते हैं, पोचिंग कहते हैं। और जो लोग इन एनिमल्स को मारते हैं उनको क्या कहते हैं, पोचर्स। फिर क्या बताया, माइंडलेस किलिंग ऑफ एनिमल्स हैज पुट द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एनिमल स्पीशीज इन नेचर। क्या कहा गया है कि इस ना समझ हत्या ने क्या है, जानवरों की कुछ प्रजातियां ऐसी है जिसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं हम, इंडेंजर्ड एनिमल्स। ऐसे जानवरों क्या कहेंगे, इंडेंजर्ड एनिमल्स। यदि वे क्या है, इसी दर पर ऐसे ही इन जानवरों को मारते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब क्या हो जाएगा, ये जो एनिमल्स है ये विलुप्त तो हो जाएंगे, धरती पर से गायब हो जाएंगे। इंडेंजर्ड एनिमल्स कौन कौन से हैं? टाइगर, मस्क डियर, एलिफेंट, बियर और रेनो। आगे है, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ,
दिस कैन बी, क्या कह रहा है, हमें अपने वन्य जीवन की रक्षा करने की आवश्यकता है। दिस कैन बी डन बाय सेटिंग अप नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बाय स्टॉपिंग अदर फ्रॉम किलिंग एनिमल्स एंड पुटिंग ए बैन ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम एंडेंजर्ड एनिमल्स। क्या बताया है इसमें कि जो हमारे वन्य जीव है उसकी रक्षा करने की हमें आवश्यकता है। यदि ये जो वन्य जीव कैसे कर सकते हैं, वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना द्वारा किया जा सकता है, या जो दूसरे लोग जो इनको मारते हैं, इनका शिकार करते हैं लुप्त प्राय जानवरों का, उनको रोक कर, उन पर क्या है, उनको रोक कर, और क्या है, जो इन जानवरों से बनी चीजों को बेचते हैं उन पर, उनकी बिक्री पर बैन लगाकर, प्रतिबंध लगाकर क्या है, हम इनको रोक सकते हैं, ऐसा होने से बचा सकते हैं। तो ये क्या था, हमारे लेसन की रीडिंग थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके वर्ड मीनिंग कर रहे हैं। लेसन 6 है द वर्ड ऑफ एनिमल्स। वर्ड मीनिंग है इसके, वर्ड मीन्स विशु, WORLD। वर्ड वर्ड मीन्स विशु। सराउंडिंग्स, SUNDINGS। सराउंडिंग्स मीन्स आसपास के। प्रोटेक्ट, PROTECT। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करना। डेंजर, DANGER। डेंजर, डेंजर मीन्स खतरा। स्ट्रोंग, STRONG। स्ट्रोंग, स्ट्रोंग मीन्स मजबूत। यूज, USE। यूज, यूज मीन्स प्रयोग। अमेजिंग, AMAZING। अमेजिंग मीन्स गजब का। थिन, THIN। थिन, थिन मीन्स पतला। पार्टिकल्स, PARTICLES। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मीन्स कण। फिल्टरिंग, FILTERING। फिल्टरिंग मीन्स छान कर, शुद्ध करना। विस्कर्स, WHISKERS। विस्कर्स मीन्स मूछ। चेंज, CHANGE। चेंज, चेंज मीन्स बदलना। प्रेशर, PRESSURE। प्रेशर, प्रेशर मीन्स दबाव। फ्रंट, FRONT। फ्रंट, फ्रंट मीन्स सामने। विजन, VISION। विजन, विजन मीन्स दृष्टि। हॉक्स, HAWK। हॉक, हॉक मीन्स बाज। हंटिंग, HUNTING। हंटिंग, हंटिंग मीन्स शिकार करना। लियोपार्ड्स, LEOPARDS। लियोपार्ड्स मीन्स तेंदुआ। प्रे, PREY। प्रे, प्रे मीन्स शिकार। बोन, BONE। बोन, बोन मीन्स हड्डी। हैबिट, HABIT। हैबिट, हैबिट मीन्स आदत। हैंगिंग, HANGING। हैंगिंग, हैंगिंग मीन्स लटकना। लेदर, LEATHER। लेदर, लेदर मीन्स चमड़ा।
नेक्स्ट है लाइवलीहुड मीन्स रोजी रोटी, LIVELIHOOD, लाइवलीहुड मीन्स रोजी रोटी, केग्स CAGES, केग्स केग्स मीन्स पिंजरे, चेन्स CHAINS, चेन्स चेन्स मीन्स जंजीरे, हॉर्न्स HORNS, हॉर्न्स हॉर्न्स मीन्स सींग, इलीगल हंटिंग ILEGALHUNTING, इलीगल हंटिंग मीन्स अवैध शिकार, माइंडलेस MINDLESS, माइंडलेस माइंडलेस मीन्स ना समझ, इनडेंजर्ड एनिमल्स ENDANGERED, ANIMALS, इनडेंजर्ड एनिमल्स मीन्स लुप्त प्राय जानवर, सेंचुरी SENCTUARY, सेंचुरी मीन्स अभयारण्य। ये क्या थे हमारे लेसन 6 के वर्ड मीनिंग थे। आज हमने क्या किया है, लेसन 6 कंप्लीट रीडिंग की है और इसके वर्ड मीनिंग किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर, जो वर्ड मीनिंग करवाए हैं आज एक बार उसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। वर्ड मीन्स विश्व, सराउंडिंग्स आसपास के, प्रोटेक्ट रक्षा करना, डेंजर खतरा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, यूज प्रयोग, अमेजिंग गजब का, थिन पतला, पार्टिकल्स कण, फिल्टरिंग छानकर शुद्ध करना, विस्कर्स मूंछ, चेंज बदलना, प्रेशर दबाव, फ्रंट सामने, विजन दृष्टि, हॉक बाज, हंटिंग शिकार करना, लियोपार्ड्स तेंदुआ, प्रे शिकार, बोन हड्डी, हैबिट आदत, हैंगिंग लटकना, लेदर चमड़ा। नेक्स्ट था लाइवलीहुड रोजी रोटी, केग्स पिंजरे, चेन्स जंजीरे, हॉर्न्स सींग, इलीगल हंटिंग अवैध शिकार, माइंडलेस नासमझ, इंडेंजर्ड एनिमल्स लुप्त प्राय जानवर, सेंचुरी अभयारण्य। तो हमने लेसन 6 में क्या क्या रीड किया है, सेंसेस ऑफ स्मेल, स्लीपिंग हैबिट्स, यूजफुल एनिमल्स, पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इस पूरे लेसन में क्या बताया गया है, जो एनिमल्स थे उनके अलग अलग सेंसेस के बारे में बताया गया। पहले तो कि जो सेंसेस ऑफ स्मेल थी वो क्या है, डॉग की ज्यादा होती है, आंट्स किससे स्मेल करते हैं, विद देयर थिन एंटीना। फिर किसके बारे में बताया, सेंस स्नैक्स एंड लिजर्ड के बारे में। हियरिंग के बारे में क्या बताया था कि जो स्नैक्स होता है उसके कान में जो बोन होती है उससे क्या है वो वाइब्रेशन सुनता है। टच के बारे में क्या बताया था, अच्छा
फिर हमने क्या किए थे, स्लिपिंग हैबिट्स की थी। स्लिपिंग हैबिट्स के बारे में क्या बताया था कि जो कुछ डिफरेंट 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 एनिमल्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोते हैं। कैसे डॉग कैसे स्लिप करता है आईज क्लोज करके, काउस का क्या बताया आईज ओपन करके, डॉल्फिन्स का क्या बताया वन आई ओपन। ऐसे क्या है, अलग अलग एनिमल्स क्या है अलग अलग तरीके से सोते हैं। फिर हमने क्या किया था, यूजफुल एनिमल्स कि कौन से एनिमल्स हम कैसे यूज में लेते हैं, जैसे मिल्क के लिए काउ गोट बफेलो, एग्स के लिए हैन। इसी प्रकार क्या है, हम अदर एनिमल्स का यूज करते हैं अलग अलग वर्क के लिए। फिर क्या पढ़ा था हमने, पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स कि लोग कैसे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। तो हमने क्या किया था इसमें, जैसे एग्जाम्पल लिए थे स्नेक चार्मर था और मदारी और मोट, ये सब सपेरा मदारी ये सब क्या है जो अपनी रोजी रोटी के लिए एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। सर्कस में भी एनिमल्स का यूज किया जाता है। और आज हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये क्या था, कंप्लीट लेसन था, रीडिंग और वर्ड मीनिंग समझ में आ गए सभी को।